नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे VS Education शब्द। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट है, सेशंस में अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट सेशंस देखिएगा। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे IBPS PO मेंस हो, SBA क्लर्क मेंस हो, सभी में आपके बहुत काम आएगा वीडियो। ओके, क्योंकि बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक जीके का पार्ट, आपके डेज बेस पर क्वेश्चंस, इंटरनेशनल्स, नेशनल्स, फिर सभी टाइप के क्वेश्चंस, सभी टाइप की न्यूज यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, बेसिकली डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है, राइट? तो प्लीज अगर आपको करंट जीके तैयार करना है तो यह वीडियो आपके बहुत काम आएगा। स्टार्ट करते हैं, एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स, एंड अच्छा लगे आपको, लगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी भी तरह का सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, एंड देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, कुछ वीडियो मैंने कल अपलोड किए थे, जैसे दिसंबर मंथ की कंप्लीट बुक्स, किसने पुस्तक लिखी है, ऑथर कौन हो गया, पुस्तक का क्या नेम है, सब कुछ इसमें डिटेल्स में बताया है। एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मंथली बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है, एवरी मंथ मैं अपलोड करता हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा मंथली बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट है दिसंबर मंथ के कंप्लीट डेज, राइट? कौन कौन से डेज बने थे दिसंबर मंथ में, कौन से इम्पोर्टेंट है, उसकी थीम कौन सी इम्पोर्टेंट थी, सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल्स में बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, सारे के सारे डेज मैंने यहाँ पर कवर किए हैं, राइट? अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। ये मैंने लास्ट वीडियो में एक होमवर्क दिया था, अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा, व्हाट विल द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द फिस्कल ईयर 2022 एंड 2023। 2022 और 23 में भारत की जीडीपी की विकास दर क्या होगी, ये क्वेश्चंस मैंने कल पूछा था आप सभी से लास्ट टू वीडियोज में, राइट? तो डेफिनेटली आंसर आपने दिया होगा, नहीं देते तो प्लीज अच्छे से रिसर्च करें, अच्छे से आंसर जरूर दें। ओके, तो इकरा ने भारत की ग्रोथ रेट है जो 9%, राइट? 9% भारत की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, ध्यान रखिएगा। सभी रेटिंग एजेंसी लाइक दैट मूडीज, आपकी केयर रेटिंग, S&P स्टैंडर्ड एंड पावर, मूडीज हो गया, नोमुरा हो गया, SBI कितनी रैंक प्रिडिक्ट करता है, सबकी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट? ये देख ली मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी, पहले मेरे चैनल्स पे न्यूज डिस्कस होती है, नेक्स्ट डे उनसे रिलेटेड MCQs क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ, राइट? ताकि आपको सब कुछ कवर हो जाए, एक चीज को आप 2 से 3 बार पढ़ सके। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज पे। तो फर्स्ट न्यूज है हमारी रेस्पोंस एप्पल, राइट? एप्पल है, आप सभी परिचित हैं, एप्पल कंपनी है, राइट? जो कि फर्स्ट ऐसी कंपनी बन गई है 3 ट्रिलियन यानी कि $3 लाख पूरा इनका मार्केट वैल्यू हो चुका है। और एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने अभी जो आपके 40 मंथ थे, पिछले 40 मंथ में इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपीज का मार्केट कैप टच किया था,
केवल 40, यानी कि 40 महीने में, 40 मंथ में इन्होंने पूरा मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ का वो कैच किया था। उससे पहले उन्होंने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच किया था। याद रखिएगा, सबसे पहली कंपनी बन गई है पूरे विश्व में, इंडिया में, राइट, इंडिया में तो है ही बट पूरे वर्ल्ड में पहली नंबर वन कंपनी है एप्पल, जिसका मार्केट कैपिटल 3 लाख डॉलर्स यानी कि 3 ट्रिलियन, राइट, डॉलर रुपीज मार्केट कैप हो चुका है। एग्जाम्स में आपको यहीं से ही पूछेगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि फर्स्ट कंपनी बन गई है 3 ट्रिलियन डॉलर रुपीज की। कुछ देशों की इनसे कम, इनका जितना मार्केट कैप है उनसे कम इनकी जीडीपी भी है, राइट, कुछ देशों में ऐसा है, राइट। नेक्स्ट है संजीव छोरे वाला, जॉइन टाटा पावर एज अ CFO, राइट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त हुए हैं टाटा में संजीव छोरे वाला। ओके, नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में ऑप्शंस में ये नाम दे सकता है। तो संजीव छुरीवाला जो कि टाटा कंपनी के CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। अगेन एक और इम्पोर्टेंट है जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज द अलका मित्तल। अलका मित्तल है जो कि ONGC यानी कि आपकी ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, राइट, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की नई प्रेसिडेंट, नई चेयरपर्सन और पहली महिला, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ध्यान रखिएगा। अलका मित्तल जो कि पहली ऐसी महिला बनी है ONGC की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला हेड है, तो नोट करिएगा, एग्जाम्स में पहली कोई भी चीज हो डेफिनेटली पार्ट बनता है। ओके, तो ये एक अपॉइंटमेंट है, फर्स्ट टाइम किसी महिला के हाथ में ये कमान गई है, याद रखिएगा अलका मित्तल। नेक्स्ट टाइम माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंटरनेशनल रेजिग्नेशन है PM हमडॉग, अब्दुल्ला हमडॉग, राइट, जो कि अब के सूडान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जो इनका कॉन्फ्लिक्ट था, क्राइसिस था उनकी वहां की मिलिट्री के साथ, राइट, जब पॉलिसीज थी वह एग्री नहीं करते थे, कुछ आर्ग्यू हुआ करते थे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है सूडान के, राइट, जिनका नेम क्या था, अब्दुल्ला हमडॉग। क्लियर, समझ में आया, नाम याद रखिएगा, कंट्री याद रखिएगा, स्टैटिक का पार्ट यहाँ से बना सकता है, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, राइट, सूडान की कैपिटल्स खातून है, आप सभी परिचित हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगेन आपकी पाकिस्तान से रिलेटेड है, एक्स पाकिस्तान कैप्टन हफीज, राइट, मोहम्मद हफीज, जिन्होंने अपने पद से इट मीन्स यानी कि क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है मोहम्मद हाफिज ने। ठीक है, मोहम्मद हाफिज ने अनाउंसमेंट किया है अपने क्रिकेट के जो फॉर्मेट से उन सभी से। ये एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है, ऑलराउंड इनकी भूमिका रहती थी, ध्यान रखिएगा। अपने लास्ट वीडियोज में रॉस टेलर जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की थी, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक ऑबिचुरीज है, दैट इज द सोशल वर्कर सिंधु थाई स्पाकल, पास्टर सिंधु थाई के नाम से फेमस, राइट, सिंधु थाई स्पाकल, राइट, जिनका निधन हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ये महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती है, यह भी ध्यान रखिएगा। सोशल वर्कर, सामाजिक सेवाओं में गरीब बच्चों की, गरीब की मदद करना, राइट, एक सामाजिक सेवा में थी सिंधु ताई स्पाकल, याद रखिए, जिनका निधन हो चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है, तो प्लीज इस चीज को नोट कर
कर लीजिएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं आज के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर 3 years। 3 सालों के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी किसको नियुक्त किया है? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बलदेव प्रकाश, राइट। बलदेव प्रकाश है जो कि सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर आईबीपीएस पीयू एंड क्लर्क मेंस, राइट। दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस में तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पार्ट बन सकता है। ओके, तो बलदेव प्रकाश जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ, ये देख लीजिए मैंने कटिंग्स में मेंशन कर दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेट टू बिकम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। एनडीबी के किस बैंक को, किस कंट्री को अपना नया सदस्य बनाया है ताकि वह उसकी मदद कर सके, लॉन्ग सेंक्शन वह दे सके, राइट। तो अभी आपकी इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, राइट, उनको आपके बनाया है, ध्यान रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। एग्जाम्स में सेम डिटो इसी टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। बी ऑप्शंस इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है वासुदेवन पठानी नरसिम्हन को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट। वासुदेव पठानी नरसिम्हन, पी एन नरसिम्हन जिसको कह सकते हैं, अगेन एमडी एंड सीईओ का पोर्शन है, अगेन बैंकिंग से रिलेटेड है, तो प्लीज इस चीज को नोट करिएगा। तो वह बने हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ, ध्यान रखिएगा, राइट। पहले भी थे, इनको वापस रीअपॉइंट किया है 3 सालों के लिए। आपसे मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है was launched in which year? किस ईयर में इसकी शुरुआत की गई थी? अभी रिसेंट में आपको मालूम होगा एक जो किस्त थी 10वीं किस्त ₹2,000 प्रत्येक अकाउंट में, प्रत्येक किसान के अकाउंट में, राइट। तो रिसेंट में हाईलाइट में थी, तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब की 2019 जो इलेक्शन हुआ था उसमें इसकी शुरुआत की गई थी, ध्यान रखिएगा। यूपी से इसकी शुरुआत हुई है, राइट। आई थिंक जितना मेरे को याद है मेरठ वह क्षेत्र था, बट यूपी था, बट डिस्ट्रिक्ट मेरे को नहीं पता है, कमेंट कर लीजिएगा, राइट। तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, राइट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज जॉइन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगेन बैंकिंग से रिलेटेड है। अपने 3 ऐसे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, राइट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में आशीष पांडे, राइट। सी ऑप्शंस आशीष पांडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच इज रेलवे स्टेशन has been renamed Virangana Lakshmibai Railway Stations। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पहले ये झांसी रेलवे स्टेशन था, राइट, झांसी में, अब इसको वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज टॉप अमंग द लार्जेस्ट स्टेट इन नीति आयोग 4th edition of the State Health Index 2029
2019 एंड 2020, राइट। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो आपकी नीति आयोग का जो फोर्थ एडिशन था हेल्थ इंडेक्स का, तो वह कौन सा राज्य टॉपर रहा है? तो वह रहा है केरल। केरला सबसे फर्स्ट पोजीशंस पे है लार्ज पॉपुलेशंस में, ध्यान रखिएगा। अब आपने अगर पढ़ी हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो सबसे स्मॉल जो क्षेत्र माने जाते हैं उनमें सबसे हेल्थ में कौन टॉपर है, कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट, रोड नेम्ड आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी को नरेंद्र मोदी मार्ग वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग एक बनाया गया है, तो वह किस राज्य में इसका उद्घाटन हुआ है, राइट। तो वह उद्घाटन हुआ है सिक्किम। सिक्किम में एक रोड है, उसको नरेंद्र मोदी मार्ग स्थापना की गई है, नेम दिया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज नेम्ड पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर, राइट। पेटा इंडिया के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर में किसे चुना गया है, राइट। तो पेटा इंडिया के लिए आलिया भट्ट बहुत इम्पोर्टेंट, महेश भट्ट की सुपुत्री, अभी इनकी पिक्चर आ रही है RRR जो साउथ से रिलेटेड है, राइट। राजा मौली जो आपकी बाहुबली के डायरेक्टर हैं, राइट, बाहुबली के डायरेक्टर थे राजा मौली, उनके द्वारा ये पिक्चर बनाई गई है RRR, राइट। उसमें मेन एक्ट्रेस का रोल्स आपकी आलिया भट्ट करेगी, ध्यान रखिएगा। इनको पेटा की तरफ से पर्सन्स ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्विंटन डिकॉक अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली, ही इज अ फेमस प्लेयर बिलोंग टू। क्विंटन डिकॉक है जो कि अभी टेस्ट क्रिकेट ओनली से संन्यास की घोषणा कर दी है, वो किस कंट्री के खिलाड़ी हुआ करते थे? तो वह एक साउथ अफ्रीकन थे, साउथ अफ्रीका से खेला करते थे क्विंटन डिकॉक, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ओके, अभी रिसेंट में न्यूज में है ना, तो आपसे पूछ सकता है क्विंटन डिकॉक किस खेल से रिलेटेड है, यह भी ध्यान रखिएगा। Who has won the doubled gold medals at the 4th Barra Badminton National Championship, which concluded in Bhubaneswar? Bhubaneswar के आपके उड़ीसा के कैपिटल से आप सभी को मालूम है, जहाँ पर चौथी Barra Badminton National Championship में doubled gold medals किसने जीता है? तो वह जीता है नीतीश कुमार। डी ऑप्शंस नीतीश कुमार, नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही न्यू नेम है, एग्जाम्स में डेफिनेटली पार्ट बनेगा, IBPS PO मेंस या क्लर्क मेंस। तो नीतीश कुमार चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में डबल गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की कैपिटल्स भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक इज द गवर्नर, गणेशी लाल इज द नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल महा की गवर्नर है, ध्यान रखिए। क्लियर, मधु बाबू पेंशन योजना, बलराम स्कीम, ये सारी की सारी आपकी उड़ीसा की है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO यूको बैंक। यूको बैंक के MD एंड CEO किसको नियुक्त किया गया है? अगेन बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अपन ने इक्विटास का पढ़ा था, अपन ने J&K का पढ़ा था, अपन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पढ़ा था, एंड देन यूको बैंक। देखिए कितने बैंक यहाँ पर कवर हो रहे हैं, राइट। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में आंसर आपका आ जाना चाहिए। ओके, कौन सा आंसर करेक्ट होगा प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो
ओवरऑल से वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से रहें और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।